नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को वोट देने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक में चुनाव की रणनीति को लेकर हुआ मंथन। उद्धव सरकार पर छाया संकट, एनसीपी और कांग्रेस नियंत्रित विभागों में जीआर जारी करने की मची होड़। और हेमंत गडकरी ने पत्रकार परिषद में कहा, मनसे को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष अमित ठाकरे के आदेश पर हो रहा विदर्भ का दौरा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों, विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से चर्चा के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से चर्चा के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। तय हुआ कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकजुटता के साथ वोट ही नहीं करना है, बल्कि उनके पक्ष में अधिकाधिक वोट दिलाने की दिशा में काम भी करना है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई अग्निपथ योजना के खिलाफ आजाद समाज पार्टी की ओर से आज जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 साल देश की सेवा करने के बाद पढ़े लिखे बेरोजगार बनाना केंद्र सरकार की चाल है, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस योजना को तुरंत बंद करे, नहीं तो आंदोलनकारियों ने आजाद समाज पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उसके बाद माननीय कलेक्टर को एक निवेदन भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा वर्धा जिले की ओर से और भाजपा आदिवासी गठबंधन वर्धा जिले के संयुक्त नेतृत्व में आज 24 जून को भाजपा कार्यालय धंतोली वर्धा में द्रौपदी मुर्मू के अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया तथा महिला वर्ग से आतिशबाजी और जयकारों के साथ आनंद व्यक्त किया गया। महिला आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का विजय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, ओडिशा विधानसभा में पूर्व विधायक भी है। आदिवासी क्षेत्र की महिला को मौका देना एक महिला के लिए सम्मान की बात होती है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वैशाली येरावार, अध्यक्ष भाजपा महिला, सरस्वती मडावी, पूर्व अध्यक्ष महिला बाल कल्याण, अर्चना वानखेड़े, श्रेया देशमुख, शीतल डोंगरे, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, सुनीता धवले, सविता शर्मा, कविता भुतड़ा, अर्चना रोड़े, अपर्णा उंबारकर, पर्वता रहांगदाले, रेखा कुमरे, माधवी धुर्वे, रत्नकला मात्रे, ललिता कुकड़े, अनिता पेंडम, पुष्पा पंधारे, रचना खांडते, भरत को, जिल्हाध्यक्ष आदिवासी मोर्चा, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज आम्हा सर्व महिलांसाठी खूप गर्वाचा दिवस आहे, अभिमानाचा दिवस आहे की आज आपल्या राष्ट्रपती पदासाठी माननीय द्रौपदीजी फॉर्म भरत आहेत। आणि आज आम्हा महिलांना खरंच मनापासून खूप आनंद झाला आहे की एवढ्या उच्च पदावर आज एक महिला विराजमान होत आहे आणि त्यांच्यावर महिलांवर विश्वास दाखवल्याबद्दल आज मोदीजींचे आम्ही आभार मानतो आहे आणि ते मानण्यासाठीच आम्ही आज इथे जल्लोष केलेला आहे। आज आम्ही इथे फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला की महिलांना चान्स मिळतो आहे आणि आपलं महिलासुद्धा आपल्या देशासाठी खूप चांगलं काम करू शकतात हे सिद्ध करण्यासाठी एवढ्या उच्च पदावर त्यांना विराजमान करण्यात येत आहे। त्याच्यामुळे आम्ही सर्व आभारी आहो आणि आनंदित आहोत। पहिल्यांदा तर मी मोदीजींचा आभार मानते, कारण आज मागासवर्गीय आदिवासी महिलांना आज राष्ट्रपती हा पद दिलेला आहे। त्याबद्दल खरंच सर्व आदिवासी बंधू आणि भगिनींच्या तर्फे मी सर्वांतर्फे आभार मानते। आज असं वाटत आहे की खूप, कारण आज आदिवासी भगिनींचा आणि भगिनींचा समाजाचा, कारण एवढं गर्वाचा दिवस आहे की खूप
कारण समाजामध्ये आज आम्हाला एवढं राष्ट्रपतीचं स्थान मिळालेलं आहे आणि तोही जमातीमध्ये मिळालेलं आहे, हे खरंच मोदीजींचे किती आभार मानले तरी कमीच आहे. आणि आदिवासी समाज हा खरंच एकनिष्ठ आहे, वचन दिलेला तो पाळतो, जातीला माती खात जातीशी माती खात नाही, कारण हा समाज हा सर्वांना घेऊन चालतो. त्यामुळे मलाही असं वाटतं की आज द्रौपदीदाई मुर्मू यांचा फॉर्म भरण्याचा राष्ट्रपती फॉर्म भरण्याचा दिवस आहे, त्यामुळे की नाही खरंच त्यांच्यामध्ये काहीतरी असेल, कारण त्या आधी पहिल्या महिला राज्यपाल झालेल्या आहे आणि नंतर विधान परिषदेमध्ये आमदारसुद्धा आहे. त्यामुळे आज हा झारखंड राज्य हा मागासवर्गीय आहे आणि त्यांना हा स्थान मिळालेला आहे, खरंच हा आदिवासीसाठी गर्वाचा दिवस आहे आणि आम्हाला अभिमान आहे की आमच्या आदिवासी महिलाला हा राज्यपालाचा पद मिळालेला आहे. खरंच मोदीजींचे मी खूप आभार मानते, धन्यवाद. महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार पर मंडराते खतरे के बीच राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बीते चार दिनों में विकास संबंधी कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की निधि जारी करने का आदेश दिए गए. जिन विभागों द्वारा निधि जारी की गई है उनमें से अधिकांश गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नियंत्रण वाले हैं. बता दें कि महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है. राज्य सरकार द्वारा जारी ये सभी आदेश महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है. सरकार की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के समय यानी 20 से 23 जून के बीच विभिन्न विभागों ने कुल 182 सरकारी आदेश जारी किए, जबकि 17 जून को 107 ऐसे सरकारी आदेश पारित किए गए. आपको बता दें कि तकनीकी तौर पर इन्हें सरकारी प्रस्ताव कहा जाता है, जो विकास संबंधी कार्यों के लिए धन जारी करने की मंजूरी देने वाला एक आवश्यक अनुमोदन आदेश होता है. नागपुर क्राइम ब्रांच को दो तलवार हाथ में लेकर समाज में दहशत निर्माण करने वाले एक वायरल वीडियो की जानकारी मिली थी. तब नागपुर क्राइम ब्रांच ने साइबर सेल से उसकी जांच परख की और उस वीडियो को लोकेट कर 19 वर्षीय आरोपी अकबर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की जांच पुलिस कर रही है. आरोपी अकबर अंसारी से सखोल पूछताछ के बाद उसने सोशल मीडिया पे अपनी दहशत रहे इसलिए ये वीडियो बनाया था, ऐसी जानकारी दी है. इस माध्यम से पुलिस ने पालकों से भी निवेदन किया है कि वे अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें. काल आम्हाला तो एक वीडियो वायरल वीडियो बाबत माहिती भेटली, मग त्याची सायबर सेलकडून खात्री केली आणि त्याला लोकेट केलं, ज्याने तो वीडियो टाकला होता दोन तलवारी हातात घेऊन, ते समाजात दहशत माजवण्यासाठी त्याने तो वीडियो टाकलेला होता. आता युवकांना थोडं भाईगिरीमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे, मग आपण त्याला लोकेट केलं. अकबर अमिलुद्दीन अन्सारी म्हणून 19 वर्षाचा युवक आहे, त्याला ताब्यात घेतलं. त्याला त्याच्याकडे सखोल विचारपूस केली तर एक सध्या फॅड चालू आहे प्रसिद्धीचं, त्यासाठी मी केलेलं असं त्याने सांगितलं. त्याला ताब्यात घेतलं, आपण 425 कारवाई केलेली आहे आणि तो यशोधरानगर हद्दीतला असल्याने पुढील कारवाईसाठी आपण त्या तलवारींसह आरोपीला यशोधरानगर पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात दिलेलं आहे. माझे याद्वारे असे निवेदन आहे पालकांना की आपल्या पाल्यांवर थोडं लक्ष द्या. असं कोणी व्हिडिओ बनवून व्हायरल करत असेल तर वेळीच त्यांना थांबवा आणि दुसऱ्या बाबतीत काही माहिती असेल तर आम्हाला कळवा. हां, त्याने काही माहिती दिलेली आहे त्याबाबतही आमचा आता तपास चालवलेला आहे. भविष्यात जर असं काय असेल तर अजून आरोपी पकडू आम्ही. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका के गेहला टोला में एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया है। किसान धान बोने के लिए जा रहा था कि तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया। घायल किसान का नाम 32 वर्षीय राजेश कामले है। गोरेगांव वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा है। बरसात के दिनों में खेत के काम होते हैं, किसान खेत का काम करने के लिए खेत में जाते हैं, लेकिन बाघों के दैनिक हमले ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की जिम्मेदारी अमित राज ठाकरे पर आने के बाद मनवी से यह मनसे का अहम हिस्सा है। मनसे के प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी ने कहा कि मनसे अध्यक्ष अमित ठाकरे के आदेश पर मनसे के पदाधिकारियों ने 23 जून को नागपुर से विदर्भ का दौरा शुरू किया है, ताकि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और अमित ठाकरे की उम्मीदों को परख सके कि इसे कैसे मजबूत किया जाए। भंडारा में हुए पत्रकार परिषद में बोलते हुए मनसे के प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी ने कहा, संवाद यात्रा छात्रों के साथ बातचीत करेगी और यह पता लगाएगी कि उनकी समस्या क्या है और उन्हें कैसे हल किया जाए। शिक्षा प्रणाली में आमूलाग्र परिवर्तन लाने और पिछले कई वर्षों से छात्रों के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए मनविषय को मजबूत करना भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मनविषय का यह विदर्भ दौरा उसी के लिए आयोजित किया गया था, उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन्हें उनकी जगह दिखाई। पिछले 2.5 साल में सरकार ने कहीं भी जनहित में कोई गतिविधि नहीं की। सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी में भारी असंतोष है। उस पार्टी के युवा नेताओं ने हमारी पार्टी के जनहित में काम करने की बात कही। हेमंत गडकरी ने उनकी ही पार्टी के लोगों ने बगावत कर उन्हें अपनी जगह दिखा दी है, ऐसी व्यंगात्मक टिप्पणी बिना किसी का नाम लिए की। सेनेमध्ये जी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना है, त्याचे अध्यक्ष एक दिवसापूर्वी अमित रासाहेब ठाकरे हे झालेले आहेत, आणि अमित साहेबांकडे विद्यार्थी सेनेची जबाबदारी आल्यानंतर विद्यार्थी सेना एक महत्त्वाचा अंग आहे पक्षाचं, आणि ही विद्यार्थी सेना साध्य परिस्थिती कशी आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात, त्याच्यामध्ये कशी मजबूती आणता येईल, योग विद्यार्थ्यांना जी माननीय रासाहेबांकडनं अपेक्षा आहे किंवा अमित साहेबांकडनं ज्या अपेक्षा आहे, या सगळ्या गोष्टीची चाचपणी करण्याकरता आणि जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये विद्यार्थी सेनेचं चित्र काय, अनेक लोक इच्छुक आहेत विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून काम करायला, तर त्याच्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित साहेबांच्या आदेशाने विद्यार्थी सेनेचे जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत, उदाहरणार्थ आमचे दोन्ही प्रमुख संघटक चेतन पेडणेकर आणि संतोष गांगुर्डे हे मुंबईला असतात, हे विदर्भाची जबाबदारी त्यांच्यावर अमित साहेबांनी टाकली आणि विदर्भातल्या 11 जिल्ह्यांचा दौरा त्यांनी कालपासून प्रारंभ केलेला आहे। या दौऱ्याला संवाद दौरा म्हणून असा नाव दिलेलं आहे। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन विद्यार्थी युवकांशी संवाद साधणे, त्यांच्या व्यथा जाणून घेणे, त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेणे, त्याच्यावर तात्काळ त्यांना मार्गदर्शन करणे संबंधित प्रश्नाला, आणि नेमकं शिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडण्याकरता आणि विद्यार्थी वर्गाचे जे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्याकरता
विद्यार्थी सेना ही मजबूत होणं आवश्यक आहे आणि त्या गोष्टी करताच आमचे हे दोन्ही सहकारी चेतन पेडणेकर आणि संतोष गांगुर्डे हे विदर्भाच्या दौऱ्यावर आले. 2.5 वर्षात कुठेही काही त्यांचा कार्यकाळ असा काही विशेष काही दिसला नाही. जनहितार्थ कामं कुठेही काही झालेली दिसतली नाही. त्या पक्षामध्ये केवढा मोठा असंतोष होता सर्वांना माहिती आहे. त्या पक्षाचेच एक युवा नेते दुसऱ्या आमच्यासारख्या चांगला जनहितकारी काम करणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलले होते. आज जो अहंकार त्यांच्यामध्ये होता, घमेंड जो होता, हा त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांनी बंड करून त्यांना त्यांची जागा दाखवलेली आहे. बाकी याच्यावर माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांनी भाष्य करायची गरज नाही. काल माननीय राजसाहेबांनी अतिशय सुंदर एक व्यंगचित्र त्याच्यावर काढलेलं आहे आणि राजसाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं त्याच्या बाबतीत बोलतील. पार्डी पोलीस स्टेशन क्षेत्र में नागेश्वर नगर बी में प्लॉट नंबर 15 और 16 में विजय डंबारे और साहू परिवार नजदीक रहते हैं. उनका 22 जून को रात करीब 9 बजे सीमेंट के पत्रे हटाने के विषय पर विवाद हुआ. सीमेंट के पत्रे फिरियादी साहू परिवार के थे. विवाद के बाद विजय डंबारे और उनके नाबालिग बेटे ने लोहे के रॉड से किसान साहू और दिनेश्वरी साहू और उत्तरा साहू इन पर हमला किया और गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया है. उन पर उपचार जारी है. विजय डंबारे और उनके बेटे पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और विजय डंबारे को गिरफ्तार कर उनके बेटे को बाल न्यायालय भेज दिया गया है और आगे की जांच PI भरत शिंदे कर रहे हैं. पुलिस एंड पार्टी अड्डी में नागेश्वर नगर बी है, वहाँ प्लाट नंबर 15 और 16 में एक विजय डंबारे और एक रसाऊ फैमिली नजदीक रहते हैं. उनका 22/6/2022 शाम को 9 बजे जो सीमेंट के पत्रे रहते हैं वो हटाने के ऊपर से वाद हुआ. वो सीमेंट के पत्रे है वो फिरियादी पार्टी के, जख्मी पार्टी के, और उसमें जो विजय डंबारे और उसका अल्पवयीन लड़का है उन्होंने लोहे के राड से जो साहू फैमिली है, माँ किशन साहू, दिनेश्वरी साहू और उसकी माँ उत्तरा साहू, इनके ऊपर हमला किया गया. इनको गंभीर तरीके से मारा गया है. इनको हम तुरंत मेयो अस्पताल भर्ती किया है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही. और जो विजय डंबारे है और उनका अल्पवयीन लड़का है उसके ऊपर हमने गुनाह रजिस्टर किया है 307/504/509/34 भादवी ऑफेंस रजिस्टर किए हैं. और जो विजय डंबारे है उसको अरेस्ट किए हैं और लड़के को हम बाल न्यायालय में भेज दिया है और गुने का तपास PI क्राइम भारत शिंदे हमारे कर रहे हैं. नहीं, इसके पहले जो फिरियादी है जो साहू पार्टी या आरोपी जो डंबारे पार्टी है, कभी भी पुलिस स्टेशन को कोई भी आज तक उनके बारे में कोई भी एक रिपोर्ट नहीं है. गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका के बोदुंडा और घोटी में किसान अपने खेतों में थे जब अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान बोदुंडा के जोशीराम झगदू उइके और घोटी के रामेश्वर ठाकरे के रूप में हुई है. घोटी के पास जाना टोला के पास दीनदयाल पटले के खेत में काम करने वाले दो व्यक्ति भी घायल हो गए. उन पर गोरेगांव ग्रामीण रुग्णालय में उपचार शुरू है. गोंदिया जिले की महिला जिलाधिकारी श्रीमती नैना गुंडे ने 23 जून को अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वइच्छा से रक्तदान कर जन्मदिन मनाया. जिलाधिकारी गुंडे जन्मदिन पर गोंदिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहुंची एवं वहां स्वइच्छा से रक्तदान किया. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिले के आम नागरिकों को, युवाओं को अपने जन्मदिवस पर स्वइच्छा से रक्तदान करने प्रोत्साहित किया. जिलाधिकारी ने कहा, गोंदिया जिला इस समय रक्त की कमी से जूझ रहा है. ऐसे में हम आगे आकर इस कमी को दूर कर समाज को अमूल्य योगदान दे सकते हैं. रक्तदान महादान है. हम अपने जन्मदिन पर रक्तदान का संकल्प लें और जरूरतमंद को मदद करने का प्रयास करें. जिलाधिकारी नैना गुंडे के जन्मदिन पर शासकीय मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े व डॉक्टर शैलेंद्र यादव, प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, विकृतिशास्त्र विभाग व रक्तपेढ़ी प्रमुख डॉक्टर संजय चव्हाण ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी. इस अवसर पर ब्लड बैंक की टीम में डॉक्टर पल्लवी गेडाम, रक्त संक्रमण अधिकारी डॉक्टर चंदन लालवानी, डॉक्टर संजय माहुले, डॉक्टर मनिंदर जुनेजा उपस्थित रहे. वही कार्यक्रम को सफल बनाने ब्लड बैंक समाजसेवी अधीक्षक वैद्यकीय प्रेरणा धनवीर व ब्लड बैंक टीम के युवराज जांभुळकर, राजेश्वर मेघराज, सुनील गोंडाने, पल्लवी रामटेके, विनोद बनसोड, सचिन ढोले बनसोड, सोपान ने सहयोग किया. तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.